सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, डाइवर्स लेने के चक्कर में आप बड़ी धोखाधड़ी में ना फंस जाए, क्योंकि डाइवर्स जब आप लेते हो आपके साथ ये पांच बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। पांच बड़ी धोखाधड़ी क्या है? मान लो किसी महिला हो या पुरुष, अगर कोई व्यक्ति के दोनों के बहुत दिनों से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या अनबन है, अगर वो व्यक्ति तलाक लेना चाहते हैं, तलाक में क्या क्या शर्त है सारी चीजें आप जानते हो, उस शर्तों को आप पूरा करेंगे या नहीं करेंगे सारी चीजें उस समझौते में डिपेंड करता है। अगर मान लो आप 30 साल या 35 साल की आपके एज है, अगर आप सेक्शन 13 में आप तलाक लगाते हैं तो 5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते, 10 साल भी लग सकती, तो आपकी एज 50-60 साल हो जाएगी। अगर मान लो आपके दोनों के पति पत्नी के अगर समझ में आ जाता है तो म्यूचुअल सेक्शन 13B में भी तलाक पेश कर दे, जो आसानी से साल भर के अंदर अंदर आपको तलाक मिल जाता है। लेकिन जो आपकी कंडीशन क्या है, पत्नी द्वारा क्या दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में या आपके जो भी सामाजिक पंच पटेल उनके बाद में क्या कंडीशन तय हुई है, किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से समझौता हुई, वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको स्टाम्प पे लिखनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको बता दो सबसे बड़ी धोखाधड़ी क्या है। अब आपको बताऊंगा कि जो धोखाधड़ी होती है सारी चीजें होने के बाद, बहुत सारी धोखाधड़ी इस कदर हो जाती है कि सारा समझौता हो जाता है, सारी चीजें लिखा पड़ी हो जाती है, उसके बावजूद भी लड़कियां बदल जाती है, पैसे वैसे लेने के बाद ही बदल जाती है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है मेरा कि जो पांच बड़ी धोखाधड़ी है इनसे किस प्रकार से बचे और किस प्रकार से आप उनसे छुटकारा पाए। तो नंबर एक, आप सबसे पहले तो स्टाम्प पर तलाक ना लें। अगर आप स्टाम्प पे तलाक लेते हो वो सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, कोई वैलिड नहीं है स्टाम्प पे तलाक लेना। तलाक ले तो आप कोर्ट से ले, अगर स्टाम्प से आप तलाक लेते हैं तो ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। इसलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है आप तक ये जानकारी पहुंचानी है कि आप इन डाइवर्स के चक्कर में इन धोखाधड़ी से भी बचे, ना ही आप इनके चक्कर में आए, पैसे की बर्बादी ना करें और समय की बर्बादी भी ना करें। तो स्टाम्प पर कभी भी तलाक मान्य नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप तलाक ले तो कोर्ट में ले, कोर्ट के सामने हस्ताक्षर करें या म्यूचुअल 13B सेक्शन 13B में आप तलाक ले। नंबर दो, हस्ताक्षर के साथ अंगूठा भी लगाएं। मान लो आपने एग्रीमेंट करा लिया, स्टाम्प पे आपने विवाह विच्छेद का स्टाम्प आपने लिख लिया, तो उस पे आप उसके साइन या हस्ताक्षर के साथ साथ अंगूठा भी लगाएं। क्योंकि आप देखते आते हैं कुछ आप देते हो या कुछ राजीनामा होता है तो लड़कियां कभी कभी ये बदल जाती है कि मेरे साइन नहीं है, ये मेरे साइन नहीं है, फर्जी साइन है सारे। तो आप अंगूठा भी लगवाइए, अगर वो अंगूठा लगेगा वो दोनों को फर्जी नहीं बता सकती। अगर मान लो वो साइन फर्जी बताती है, अंगूठा फर्जी बताती है, उसकी जाँच हो सकती है, फिंगरप्रिंट की जाँच हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस चक्कर में ना पड़े। नंबर तीन, कभी भी आपके बीच में कुछ रकम देने की या कुछ पैसे देने का भी समझौता होता है कि इतने पैसे देंगे जब मैं तलाक लूंगी या राजीनामा से तलाक की डिग्री लेंगी या राजीनामा से केस करूंगी या पिटीशन दायर करूंगी, ये सारी चीजें उसमें पिटीशन में लिखनी चाहिए, या जो आपने स्टाम्प लिखा, एग्रीमेंट लिखा, उसमें सारी चीजें लिखे, कितनी रकम दे रहे हो, कितनी नहीं दे रहे हो, किन व्यक्तियों के साथ दे रहे हो, किन व्यक्तियों के समक्ष दे रहे हो, ये सारी चीजें में उनके हस्ताक्षर प्लस अंगूठे के निशान होना चाहिए। और ये रकम जब भी दे आपको, तलाक की डिग्री आपके पास हो या तलाक की डिग्री होने के बाद ही ये रकम दे, अन्यथा ये रकम की रकम भी आपके हाथ से चला सकती है। यही सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, क्योंकि अगर कोर्ट में आपने पिटीशन दायर कर दी, पिटीशन दायर करने के बाद अगर वो लड़की ये कहती कि ये मेरे साइन नहीं है, मोटा नहीं है, तो आपकी रकम तो गई ना। इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब कि आप ये सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे दें, जब आपकी डिग्री बनने की कगार पे आपके बयान हो चुके हैं सब, आप ये रकम दें। नंबर चार, तलाक होने पर ही जो आपने गहना हो, पैसे हो, या कुछ बच्चा हो, या मैं बच्चे के तौर पे इतने पैसे दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक दम सही होनी चाहिए कि मैं इसके बाद में कुछ पैसा आपको नहीं दूंगा। ये सारी चीज़ें आप कन्फर्म
उस स्टाम्प पे वो सारी चीजें सब गवाह जो उनके समक्ष होना चाहिए। नंबर 5 सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, आप कोई फैसला कर लेते हो किसी पंच पटेल या किसी सामाजिक स्तर पे या कोर्ट में, तो उसमें सारी चीजें लिखे कि अगर बच्चा हो तो ये बच्चा किसके पास रहेगा, जब मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ तो ये वन टाइम दे रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, आज के बाद हमारा राजीनामा हो गया, हमारा तलाक हो गया, इसके बाद में मैं कुछ नहीं दूंगा। ये सारी चीजें आपको स्पष्ट करनी चाहिए, स्पष्ट एग्रीमेंट में लिखनी चाहिए। इसलिए मैं 5 धोखाधड़ी जो आपको बताया हूँ इनसे सावचेत होना है। इनसे अगर आप बच गए तो आपको तलाक मिल सकता है, अगर आप इनसे बच नहीं पाओगे तो आप पैसे के साथ साथ अपना टाइम सारा कुछ खो दोगे। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद मुझे पैसा कमाना नहीं है, आप तक अच्छी जानकारी लीगल जानकारी आप तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से बचोगे, इन धोखाधड़ियों से बचोगे तो आप अपना जीवन यापन कर सकते हो, नहीं तो आप पैसे के साथ साथ आपका जीवन कोर्ट कचहरियों में बर्बाद कर सकते हो। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट्स जरूर करें, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स जरूर करें, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो दोस्तों इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।